Bismillahirrahmanirrahim and assalamu alaikum. Dear kids of class 3, I hope you will be fine and enjoying the videos. Today I am going to discuss the second page of the chapter number 2, the wooden bowl, lakdi wala piala. So, dear kids, I know that you people are watching my videos and you people are learning the things at your home. So, my aim is to send all these videos that you should supposed to learn something at your home. So, let's start from here. Yesterday we have completed up to here and today I am going to start from here. The grandfather was very old now. Dada abu jo the ya dada jaan jo the wo abhi bahut boode ho gaye the, theek hai, and getting older every day, aur din ba din aur bhi boode hote ja rahe the. He was not very strong, wo bahut zyada mazboot nahi the. His eyes were dim and he could not see well. उसकी आंखें जो है बहुत ही धीमी हो गई थी और वो देख नहीं सकते थे. डिम मतलब बिल्कुल धुंधला जाना, धीमे हो जाना, ठीक है. समटाइम्स हिज हैंड्स शॉक, कुछ बाज़ औक़ात उसके हाथ कांपते थे, ठीक है. एंड समटाइम्स ही सेट इन अ चेयर एंड नोडेड ऑफ, और बाज़ औक़ात वो जो है कुर्सी पर बैठ जाता और अपने जो है वो जो है बिल्कुल बेंड हो जाता था. नोडेड ऑफ मतलब बेंड हो जाना, मुड़ जाना. ये जैसे ये देखो कुर्सी पर बैठा है और ऐसे मुड़ा हुआ है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट नहीं बैठा हुआ, नोडेड ऑफ वो ऐसे मुड़ा हुआ है, ठीक है. इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन दे ऑल सिट डाउन टू द डिनर एट द टेबल, जब वो डिनर टेबल पर बैठ गए, खाने वाली मेज़ पर जब वो बैठ गए, मैनफ्रेड एंड थेकला यूज़ टू गेट एंग्री विद द ओल्ड ग्रैंडफादर. वो मैनफ्रेड जो उसका बेटा था और थेकला जो उसकी बहू थी, वो अपने दादा जान पर जो है बहुत गु़स्से थे, ठीक है. वो जो दादा जान था, वो जो बूढ़ा आदमी था, उस पर थेकला और मैनफ्रेड बेटा और उसकी बहू जो है वो गु़स्से में थे बहुत ज़्यादा. ही वॉज स्लो एंड क्लमज़ी, वो बहुत ही आहिस्ता और बेसलीका हो गया था. मतलब बहुत स्लो मोशन में और बहुत ही बेसलीका हो गया था, मतलब चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करता था. समटाइम्स ही ब्रोक अ गिलास, कभी कभार वो गिलास तोड़ देता. समटाइम्स ही ड्रॉप्ड अ स्पून, कभी वो चम्मच गिरा देता, स्पून चम्मच. एंड समटाइम्स ही स्पिल्ड सूप ऑन हिज क्लोथ्स, और बाज़ औक़ात वो जो है सूप अपने कपड़ों पे गिरा देता, स्पिल्ड गिराना, ठीक है. ही वॉज एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़ा आदमी था आफ्टर ऑल, हालांकि लेकिन फिर भी वो बूढ़ा आदमी था आफ्टर ऑल, ठीक है. फिर भी वो बूढ़ा आदमी था आफ्टर ऑल. फिर भी वन डे, एक दिन, ड्यूरिंग द इवनिंग मील, शाम के खाने के दौरान, द ओल्ड मैन ड्रॉप्ड हिज प्लेट ऑन द फ्लोर, बूढ़े आदमी ने अपनी प्लेट नीचे फर्श पर गिरा दी. क्रैश, चेयर टूट गई. इट स्मैश्ड इनटू 100 टिनी पीसेस, वो 100 छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई और टुकड़े टुकड़े हो गई. स्मैश टुकड़े टुकड़े, ठीक है. एंड द फूड फेल ऑल ओवर द प्लेस, और जो खाना जो था वो सारी जगह पर फैल गया, ठीक है. फैल गया. थेकला एंड मैनफ्रेड बिगिन टू क्लियर अप द फ्लोर, थेकला और मैनफ्रेड जो थे उन्होंने वो फर्श को साफ करना शुरू हो गए. बट हाउ एंग्री दे वर, लेकिन वो कितने गुस्से में थे. आफ्टर दैट एक्सीडेंट दे ब्रॉट हिम अ चीप वुडन बाउल फ्रॉम द मार्केट, उस हादसे के बाद वो अपने वो उस दादा जान के लिए सस्ता, चीप सस्ता लकड़ी का प्याला मार्केट से, बाज़ार से ले आए. एंड गेव हिम हिज डिनर इन दैट, और उसे रात का खाना उसमें देते थे. दे मेड द ओल्ड मैन सिट बाय हिमसेल्फ इन द कॉर्नर ऑफ द रूम टू ईट हिज फूड, उन्होंने क्या किया कि एक ही रूम में, जो रूम का जो कोना है, वहाँ पर उसको अकेले बिठा दिया और उसको खाने के लिए खुराक, खाना वगैरह दे दिया. द ओल्ड मैन वॉज सैड, वो जो बूढ़ा आदमी था वो क्या था, वो खफा था, परेशान था. क्यों कि उसको अलहदा कर दिया गया था. ही किप्ट क्वाइट एंड डिड नॉट कम्प्लेन, वो जो था खामोश था और कोई शिकायत उसने नहीं की. सो डियर किड्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड द सेकंड पेज ऑफ द चैप्टर नंबर 2, नेम द वुडन बाउल विद द उर्दू ट्रांसलेशन. This lesson is also in the form of story. The writer has written this lesson in the form of story and declared that the students should know the idea of this chapter, that what is told in this chapter. After completing this whole chapter, you will be able to know that what happened in this chapter and what we were told in this chapter. So dear kids,
enjoy your videos, learn the things, memorize the things, and we will meet in the next video. Thank you very much. Take care.